हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है मेरे ग्रुप में, लाइक 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, तो हम सब आपस में मिलके कंटेंट्स वगैरह सोचते हैं, और डेली जो है एक बंदा कैमरामैन है हमारा, और बाकी 2 लोग जो हैं वीडियोस कंटेंट वगैरह लेके आते हैं। कैसा लगा जब वीडियो वायरल होता है? कहीं ना कहीं वो खुशी चेहरे पर दिखती है कि मेरा वीडियो वायरल हो गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब वीडियोस वगैरह बनाओ, अपनी हॉबीज पूरी करो, लेकिन उसके साथ आपके पास एक जॉब और इनकम का सोर्स भी होना चाहिए। क्योंकि हाँ, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 वीडियो बनाई, 1 हफ्ते तक बनाई, उसके बाद छोड़ देते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं उन सबको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने भी अपना 2 साल बर्बाद किए इन चीज़ों में। टाइम लगता है लोगों तक पहुंचने में वीडियो, लेकिन डेली अपनी वीडियो बनाए, एटलीस्ट 2 वीडियोस तो डालनी चाहिए। मैं एक्चुअली, फादर मेरे डिफेंस में थे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप के थे, तो वो पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रहता था, तो उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने जो है बीसीए किया। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल, और मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनके वीडियोस देखकर आप हंसते जरूर होंगे। जी हाँ, ये चर्चित अंकित कुमार हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं, और देखिए इनको देखकर, आपको इनका चेहरा देखकर इनके वीडियो जरूर याद आए होंगे। और जब सफर की शुरुआत कैसे हुई है और कैसे यहाँ तक पहुंचे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं तो कितना असर लोगों पर पड़ता है ये भी जानेंगे। तो अंकित, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू अंकित। चूंकि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, आपके वीडियोस हमने देखे हैं, जिस तरह से आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे सोचा कि मैं यूट्यूब या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करूंगा किसी को? लाइक पहले मैं डांसिंग वगैरह करता था और मुझे इन्हीं चीज़ों में शौक था, इन चीज़ों का हॉबी है मेरी ये, तो लाइक डब स्मैश था जब, तो मैंने 3 वीडियोस बनाई थी। उसके बाद टिकटॉक पे मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, धीरे धीरे मेरी वीडियोस चलने लगी, लेकिन एक टाइम था कोरोना के टाइम पे, फिर वो बैन हो गया था टिकटॉक। फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम रील पे यूज़ किया, तो 1-1.5 साल बाद मेरी फिर पहली वीडियो वायरल हुई। फिर उसके बाद मेरी काफ़ी वीडियोज़ वायरल होने लगी, लोग मुझे फॉलो करने लगे, और हंसते हैं तो मेरे को भी अच्छा लगता है। लोगों को हंसाने का काम आप करते हैं, देखिए लोगों को जब हंसी, आप किसी को कॉमेडी या किसी के द्वारा आप किसी को खुशी देते हैं तो एक अलग खुशी खुद को ही महसूस होती है, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक खुशी आप लाते हो। लेकिन जब आप YouTube का सोचे थे, आपने कहा TikTok बैन हो गया, तो कहीं ना कहीं एक मॉरल डाउन होता है कि अब आगे क्या होगा, उसके बाद कैसे आपने आपको बूस्टअप किया कि अब हम Instagram या YouTube पर वीडियोज डालेंगे? लाइक TikTok के समय जब मेरी वीडियोज़ वायरल हुई थी, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल बने, जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो इतने अच्छे लोग हैं कि Instagram पे भी मैं वायरल नहीं हो रहा था 1-1.5 साल तक, तो उन्होंने मेरे को बूस्टअप करके रखा। तो जो मेरा ग्रुप है वही मेरे को सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। आपके ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं, क्या टीम पूरी जो मिलकर काम करती है, किस तरह से आप लोगों का संबंध है एक दूसरे के साथ? हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है मेरे ग्रुप में, लाइक 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, तो हम सब आपस में मिलकर कंटेंट्स वगैरह सोचते हैं, और डेली जो है एक बंदा कैमरामैन है हमारा, और बाकी 2 लोग जो हैं वीडियोस कंटेंट वगैरह लेके आते हैं, बाकी बनाता मैं हूँ, और भी 3 लोग बनाते हैं साथ में। अच्छा, आपने वीडियो की बात की कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद आपको लोग पहचानने लग गए, उस वीडियो के बारे में ज़रा बताइए, कैसा कंटेंट था और कैसा लगा जब वीडियो वायरल होता है? कहीं ना कहीं वो खुशी चेहरे पर दिखती है कि मेरा वीडियो वायरल हो गया है, और उम्मीद भी ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों की भी और आपकी भी। हाँ, लाइक वो मेरे साथ फीमेल सपोर्टर थे, तो लाइक वीडियो ऐसी थी कि वो, उनको मैंने भूत का रोल दिया था, तो वो मेरे पास चुड़ैल बन के आती हैं, तो वो मेरे को बोलती है कि मैं भूत हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मेल हो कि फीमेल, तो वो बोलती हैं कि फीमेल, तो लाइक जैसे बोलते हैं ना कि झपटते हैं, तो मैं बोलता अरे फीमेल हो तो चुपटो ना, तो वो वाली मेरी वीडियो पहले वायरल हुई थी। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ी होगी कि अब जो वीडियोस हम डालेंगे, लोगों के फॉलोअर्स जो और होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट पर भी ट्रस्ट करेंगे, देखने आएंगे। बिल्कुल, इसके बाद मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे, मेरे व्यूज़ भी बढ़ने लगे सारी वीडियोज़ पे, और लोग मुझे फॉलो भी करने लगे, मेरे पास मिलने भी आते हैं और वीडियोज़ भी बनाते हैं। और मैं थोड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, तो मैं कभी भी, मैंने फैंस को कभी वो ईगो नहीं दिखाया, जो भी मेरे से मिलने आता है उनको फुल सपोर्ट रहता है, सबके साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, ऐसा कोई वाकया जो फैंस के साथ हुआ हो, आप कहीं गए हो और अचानक से भीड़ में आपको पहचान लिया गया हो, हाँ ये तो वही है जिन्होंने ये वीडियोज़ हम जिनके देखते हैं सोशल मीडिया पर? जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी, तो जहाँ पे हम लोग शूट करते हैं, तो वहाँ पे एक फ़ैन मिला था मुझे, तो लाइक ऐसा होता है कि आईफोन में वीडियो बनाते हैं तो फिल्टर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं हम, तो वो मेरे पास मिलने आए थे, तो उन्होंने मेरे को सरप्राइजली पूछा कि आप अंकित कुमार हो, मैंने बोला हाँ, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी फ़ोन में पहले कन्फर्म किया कि मैं वही हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि आप फिल्टर्स यूज़ करते हैं और सामने कैमरे पर और कैमरे के पीछे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग अगर आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी बात होती है। आगे का क्या कुछ प्लान सोचा हुआ है? आगे का यही है कि मैं अपने फैंस को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता हूँ, और कभी भी कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाता जिससे कि वो गलत इन्फ्लुएंस हो, लाइक स्टंट्स वगैरह की वीडियो, बाइक पे विदाउट हेलमेट या फिर कार के ऊपर,
मैं कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं बनाना चाहता जिससे कि जो मेरे को फॉलो करते हैं वो गलत उन पे कोई गलत इम्पैक्ट पड़े। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो लोग सोशल मीडिया पर हैं उनका काम है बस ऐसी वीडियो बनाते रहना, टाइम पास करना, इसके अलावा कुछ काम नहीं करते हैं, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब वीडियोस वगैरह बनाओ, अपनी हॉबीज़ पूरी करो, लेकिन उसके साथ आपके पास एक जॉब और इनकम का सोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से आगे तक पेट नहीं चलता है। तो मेरे पास भी जॉब भी करता हूँ मैं और अपनी हॉबी भी पूरी करता हूँ, लाइक फैमिली को भी संभालना है। तो मैं तो अपने जितने भी फैंस हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि जॉब भी करें और अपनी हॉबी भी पूरी करें जिससे कि आप आगे सक्सेस हो सकें। अच्छा अंकित, ये भी कहा जाता है कि अगर आप वीडियोस बनाते हो तो बहुत जल्दी अगर आप वायरल हो जाते हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाने लगोगे, लोग इस चक्कर में लगातार वीडियोस भी बनाते रहते हैं। क्या जो संघर्ष बताते हैं कि बहुत लंबा संघर्ष है, अगर आपको वीडियो बनाना है तो कंटेंट में लंबे वक्त तक आपको टिका रहना पड़ेगा, वरना यूट्यूब या इंस्टाग्राम आपको इतनी वैल्यू तुरंत नहीं देता है, आपकी वीडियोज़ को इतनी जल्दी हिट नहीं मिलती है। हाँ, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक दो वीडियो बनाई, एक हफ्ते तक बनाई, उसके बाद छोड़ देते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं उन सबको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने भी अपना 2 साल बर्बाद किए इन चीज़ों में। टाइम लगता है लोगों तक पहुँचने में वीडियो, लेकिन डेली अपनी वीडियो बनाए, एटलीस्ट 2 वीडियोज़ तो डालनी चाहिए, क्योंकि वही वाली बात है, जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक आप बिकोगे नहीं। बिल्कुल, जब तक आप दिखोगे नहीं बिकोगे नहीं। लेकिन अंकित कुमार किसको फॉलो करते हैं? अंकित को सब लोग फॉलो करते हैं, आपके इतने फॉलोवर्स हैं, लेकिन अंकित किसको देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, या पहले आपने किसे देखा हो जो आपको इंस्पायर करता हो? मैं तो 2 ही लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हूँ, लाइक सागर पॉप और मयंक राजपूत। अच्छा। ये लोग भी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और यही मेरे आइडियल हैं दोनों। तो उनसे कभी मुलाकात हो पाई है? मयंक राजपूत से हुई है, सागर पॉप से मिलना बाकी है। अच्छा, तो उनसे उम्मीद है कि मिला, जब मिलोगे तो आप क्या कहोगे उनसे? मेरी फोन पे तो बात हुई है, मयंक राजपूत ने करवाई है, लेकिन मिलने का मन है, वो अभी चंडीगढ़ में रहते हैं तो अभी मुलाकात नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके पास भी अभी बहुत सारा काम है, वीडियोज वगैरह शूट में बिजी रहते हैं। तो उम्मीद है कि आगे चल के मिलेंगे। आप भी बहुत लोगों के आइडियल हो चुके हो और कहीं ना कहीं लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा है, 24K फॉलोअर्स से ज़्यादा आपके लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है कि आप अंकित कुमार नया क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल नया तो हम कोशिश करते रहते हैं हर बार, लाइक मैं कॉमेडी के साथ थोड़ी थोड़ी साइड भी बनाता हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि एक एक तरीके के कंटेंट पर मैं अगर रहूँगा तो फिर जो बाकी के लोग हैं उनको भी तो इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी है ना। बिल्कुल, और देखिए इन्फ्लुएंसर की दुनिया देखें तो बहुत सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर दिन नए नए लोग यूट्यूब या इंस्टाग्राम से जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, उसमें किस तरह से अपने आप को मजबूती से खड़े रखते हो? लाइक मैं दूसरे के साथ मैं कभी कॉम्पिटिशन नहीं करता, मेरा कॉम्पिटिशन खुद से ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट वीडियो टच करी है मेरी अगली वीडियो उससे भी ज़्यादा जाए, तो मैं अपने आप पे ही फोकस रखता हूँ, अपने आप से कंपटीशन रखता हूँ। ये ज़रूरी भी है खुद पर फोकस करना। अच्छा, अब तो ये सोशल मीडिया की बात हो गई, अगर मैं सिर्फ अंकित कुमार के बारे में जानना चाहूँ, शुरू से किस तरीके से अंकित कुमार रहे, उनकी जर्नी कैसी रही? मैं एक्चुअली फादर मेरे डिफेंस में थे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप के थे, तो वो पढ़ाई वढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान रहता था। तो उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने जो है BCA किया, BCA के बाद मैंने NIT का कोर्स करके सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में मैंने अपनी जॉब करी। उसके बाद मैंने फैमिली को दिखाया कि हाँ मैं जॉब है मेरे पास, तो उनको भी खुशी हुई। तो उसके बाद फादर ने भी अलाउड किया कि चलो आप ये साइड में कर सकते हो। तो साइड बाय साइड ये शुरू करते करते कभी सोचा है कि ये पूरा जिस तरह से सोशल मीडिया को ही अपना पूरी हॉबी को ही एक जर्नी बनानी है, अगर हम जॉब छोड़ दें, ऐसा कभी सोचा है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि जब तक अभी सक्सेस नहीं मिली इस वाली फील्ड में, तो जब सक्सेस मिलेगी जब बाद में देखेंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं वो अगर फेमस हो जाते हैं, अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं, इनकम अच्छी होने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब को लेफ्ट कर देते हैं और इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। नहीं, मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका काम परमानेंट है, लाइक आप किसी गाने वगैरह में हो, आपके कोई कॉन्टैक्ट हो बॉलीवुड से, अगर आपका काम फिक्स है तो ही आपको जॉब छोड़नी चाहिए, वरना आपको इनकम का सोर्स रखना चाहिए अपने पास। एक बिल्कुल इनकम का सोर्स रखना चाहिए। और इसके साथ ही अंकित, अगर मैं पूछना चाहूँ कि लगातार आपके साथ आपका एक ग्रुप है, कहीं ना कहीं उनको ये बीच भी ये होता होगा कि हम अपना वीडियोस शुरू करें, हम अपना एक ग्रुप शुरू करें, कहीं ना कहीं क्लैशेस भी होते होंगे एक दूसरे के व्यूज़ को लेकर भी? नहीं, हमारे ग्रुप में ऐसा किसी के साथ नहीं है। हमारे ग्रुप में जितने भी 7 लोग हैं उनमें से मेरे साथ एक और स्टाफ हैं जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं ना उनमें भी कभी भी जेलेसी नहीं हुई। वो आते हैं, हम साथ में भी शूट वीडियो करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल पे भी डालते हैं, पर जैसे उन्होंने मेरे को होप दी थी मैं उनको भी होप देता हूँ कि टाइम आएगा
एक वीडियो आएगी जो आपको उठा के चली जाएगी। बिल्कुल, ऐसा मैंने कई बार देखा सोशल मीडिया पर, जो लोग टीम वर्क करते हैं उनकी कहीं ना कहीं टीम टूटते हुए भी देखा है और सबने अपना अपना पर्सनल बनाना भी शुरू किया है, लेकिन ये आपके टीम के साथ ऐसा नहीं है, सब बॉन्डिंग बहुत अच्छी। मेरे टीम के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी मैं उनको होपलेस होने देता हूँ ना कभी वो मेरे को होपलेस होने देते हैं। हमको 3 से 3.5 साल हो गए हैं, हम लोग साथ में वीडियो बनाते हैं और साथ में ही अभी भी। चलिए, ऑल द बेस्ट कि आपका ये सफर और लंबा चलता रहे। और आखिरी सवाल मेरा कि अपने फैंस के लिए क्या कहेंगे आप? फैंस के लिए ये बोलना चाहूँगा, और प्यार ऐसे ही दिखाते रहें, मैं आपके लिए और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। लव यू ऑल। तो ये थे हमारे साथ अंकित कुमार, और देखिए इनके वीडियोस आप लगातार देखते होंगे और आज हमारे साथ न्यूज़ वन इंडिया की टीम के साथ मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं ये संदेश ये दे रहे हैं कि आप अपना काम भी करते रहिए लेकिन अपनी हॉबी को भी फॉलो करें जिस तरह अंकित कुमार कर रहे हैं, और लगातार इनके वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। थैंक यू।